हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो मैं जहां भी डेमो देने जाता हूं वहां हर लोग पूछते हैं कि कहीं इस कैंगन वाटर की हमको आदत तो नहीं पड़ जाएगी। हो सकता है हम कहीं बाहर जाएं और दूसरा पानी पिएं तो हमारे बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। इस प्रकार के उनके सवाल रहते हैं जिसका जवाब मैं आज डेमो में दूंगा। आइए दोस्तों, आज हम इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं और लोगों को समझाते हैं कि कैंगन वाटर की कभी आदत नहीं लगती। दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि हमेशा बुरी चीज़ों की आदत लगती है, जैसे कि बीड़ी, शराब, तंबाकू, गुटखा, इन सब चीज़ों की आदत लग जाती है। लेकिन कभी भी आपने सुना है कि बादाम की आदत लग गई, काजू की आदत लग गई, किशमिश की आदत लग गई? उसी प्रकार किसी भी अच्छी चीज़ की आदत कभी नहीं लगती, हमेशा बुरी चीज़ों की आदत लगती है। आइए समझते हैं दोस्तों, इसलिए आज हम बात करेंगे पीएच के बारे में। पीएच के बारे में जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जैसे हमारा शरीर होता है वो अगर अल्कलाइन रहता है तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उसमें नहीं आ सकती, जैसा कि डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया है। आप गूगल करके देख सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो बॉडी एसिडिक रहती है उसमें कैंसर के टिश्यूज़ और सेल्स पनपते हैं। दोस्तों, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग की थ्योरी के हिसाब से अगर बॉडी अल्कलाइन होगी तो कभी भी कोई बीमारी नहीं आ सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट इफ़ बॉडी इज़ एसिडिक तो उसमें पूरी चांसेस है हर प्रकार की बीमारी आने के लिए, यहाँ तक कि जो कैंसरस टिश्यू भी होते हैं वो भी अल्कलाइन नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने आपके सामने ये तीन बॉटल्स रखी हैं, इसमें कैंगन 9.5 वाटर है, इसमें सरकारी पानी जो टैप वाटर होता है वो रखा है, और इस तरफ है एक्वाफीना वाटर बॉटल। इन तीनों पानियों को ग्लास में डालने के बाद पीएच के ज़रिए हम इस विषय पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब हम कैंगन वाटर पीते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले गिलास में मैं कैंगन वाटर 9.5 ले लेता हूँ, दूसरे गिलास में सरकारी पानी यानी टैप वाटर ले लेता हूँ, और तीसरे गिलास में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ले लेता हूँ। अब इसको पीएच के ज़रिए धीरे धीरे समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले कैंगन वाटर में पीएच सॉल्यूशन डाला तो आपके सामने कलर दिख रहा है कि ये ब्लू कलर है। उसके बाद सरकारी पानी यानी टैप वाटर में मैंने ये पीएच सॉल्यूशन डाला तो इसका कलर स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल की ओर जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्वाफीना एसिडिक पानी है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगा जिसमें आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। सिचुएशन आपके सामने है, ये एक बॉडी है जो माइल्ड एसिडिक है, ये बॉडी लगभग न्यूट्रल है, और ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट है जिसमें कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, ये डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग ने हमको बताया है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आइए अब हम देखते हैं, ये मेरा शरीर है और मैं कैंगन वाटर रेगुलर पीता हूँ, अगर मैं कोई और पानी पीता हूँ तो मेरे शरीर में क्या होता है। मैंने ये किसी और के घर में पानी पिया, फिर मैं कहीं विदेश चले गया और वहाँ पर मैंने मिनरल वाटर पिया, उसके बाद मेरी बॉडी का आप देख सकते हैं स्टेटस चेंज होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वापस घर आऊँगा, मैं अपने मशीन से निकला हुआ 9.5 पानी पीऊँगा और मेरी बॉडी वापस ब्लू हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई और व्यक्ति जब कैंगन वाटर पीता है तो उसकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आता है। अब मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं जिनके घर में कैंगन की मशीन नहीं है, उन्होंने ये पानी कभी नहीं पिया है, लेकिन जैसे ही वो ये मशीन लगाते हैं और पानी पीते हैं तो उनके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, आइए हम देखते हैं। Oh.
दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। मैंने जैसे ही कैंगन वाटर इन दोनों गिलास के अंदर डाला तो इनका पीएच अल्कलाइन की तरफ चला गया। मतलब जो डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग का कहना है कि अगर हमारा शरीर अल्कलाइन रहेगा तो इसमें कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती। कैंसरस टिश्यू भी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। एसिडिक एनवायरनमेंट में कैंसरस टिश्यूज पनपते हैं, ये उनकी थ्योरी है जो आप गूगल करके देख सकते हैं। सिंपल है, अगर आप अल्कलाइन हैं तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये बात साबित करने के लिए डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग को नोबल पुरस्कार मिला है। जी हाँ, नोबल पुरस्कार, जो दुनिया का सर्वोत्तम पुरस्कार होता है। दोस्तों तो ये था एक उस सवाल का जवाब कि अगर हम कोई और पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इस डेमो से मैं ये दिखाना चाहता था कि आप लोग जब भी कहीं बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी एसिडिक हो जाए, लेकिन जैसे ही आप वापस घर में आएंगे, मशीन का पानी पीना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी वापस अल्कलाइन हो जाएगी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को एसिडिक चीज़ों से बचाना है। अगर आप एसिडिक चीज़ें खा भी लेते हैं तो आप जैसे ही वापस घर आते हैं तो आपकी बॉडी वापस अल्कलाइन हो जाती है। आई होप आपको ये डेमो ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों कैंगन वाटर से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके अंदर घूम रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।